एक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है। आपके पास दिए गए हैं समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, इसको आपने सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का पहला स्टेप होता है, हमने किसी एक समीकरण को हल करना है। तो मान लीजिए हम समीकरण नंबर एक कॉल करेंगे, हम समीकरण एक को हल करने पर समीकरण नंबर एक क्या आपके पास लिखेंगे पहले उसे, एक्स माइनस वाई बराबर है 4। तो इसका एक्स को हमने यहीं छोड़ना है, एक्स को हम यहीं छोड़ेंगे और वाई कहाँ गया, परली साइड, यहाँ माइनस का था परली साइड, किस चीज़ का हो गया, जमा का। तो ये हुआ बन गया एक्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास आया समीकरण नंबर तीन। ओके, उसके बाद हम इस सम एक्स की वैल्यू को भरेंगे इस दूसरे वाले समीकरण में, फिर लिखेंगे एक्स का मान समीकरण दो में भरने पर। ओके, समीकरण नंबर दो आपके पास जो है वो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर है 14। तो एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 4 प्लस वाई। अब एक्स की जगह लिखेंगे हम 4 प्लस वाई, फिर वाई का वाई उतारेंगे बराबर है 14। अब वाई वाई को एक साइड करेंगे और अंकों को एक साइड करेंगे, वाई जमा वाई कितना हुआ, 2 वाई। चौदह, 4 इस साइड गया, यहाँ प्लस का था पहली साइड, किस चीज़ का हुआ, माइनस का। अब 2 वाई का 2 वाई और 14 में से 4 घटाएंगे, यहाँ बड़ी रकम का ख्याल रही, किस चीज़ का, साइन प्लस का है, 14 में से 4 घटाएंगे 10। तो वाई यहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में, अपॉन इसके बटे में जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 5 10, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5। तो अब वाई को भरेंगे हम किसमें, समीकरण नंबर तीन में। अब वाई का मान 3 में भरने पर, समीकरण नंबर तीन आप पहले उसे लिखेंगे, यह है एक्स 4 जमा वाई। अब एक्स का एक्स, 4 का 4, अब वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। अब जोड़ेंगे एक्स 4 जमा 5 9, इतना है एक्स की वैल्यू कितनी आई, 9, और वाई की वैल्यू 5। ये आपका आंसर है, ये कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि।